नाजरीन, ड्रामा सीरियल करार के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अमार के भाई जुनेद की मुलाकात माया से होगी। माया जुनेद को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लेगी और दूसरी जानब माया फरीहा से हसद करेगी। माया सोचती है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ इसके जुम्मेदार फरीहा है, मगर माया को इस बात का अंदाजा नहीं कि उसका घर तबाह होने में उसका गुरूर तकब्बर इसकी बुनियादी वजह है। और आप देखेंगे जब अमार फरीहा के वालिद की खैरियत दरियाफ्त करने आएगा तो फरीहा की दोस्त और अमार की कजन रानी फरीहा से कहेगी कि ये जरूरी तो नहीं कि अमार सराज अंकल की खैरियत ही दरियाफ्त करने गया हो, बल्कि क्या पता वो माया से मिलने के बहाने गया हो। जिसके बाद आप देखेंगे माया बहुत हैरान होगी और सोचेगी क्या अमार और माया इस तरह कर सकते हैं, सबको धोखा दे सकते हैं। फरीहा को इस बात का भी अंदाजा है कि माया कुछ भी कर सकती है, माया पर किसी सूरत भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और दूसरी जानब आप देखेंगे माया जब अमार को अपने घर में देखेगी तो वो अमार को बहुत हसद भरी निगाहों से देखेगी और सोचेगी कि फरीहा ने क्या किस्मत पाई है कि अगर मैं अमार को ना ठुकराती तो उसकी शादी अमार से ना होती, इतना अच्छा और खूबसूरत शोहर फरीहा को कैसे नसीब होता। और आप देखेंगे जब अमार का भाई घर वापस आएगा तो अमार की तमाम फैमिली फरीहा के वालिद की खैरियत दरियाफ्त करने उनके घर जाएगी, वहाँ पर जुनेद की मुलाकात माया से होगी। तो आप देखेंगे माया जुनेद को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लेगी क्योंकि माया जानती है ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और बैरून मुल्क रहता है। अमार के घर के तमाम अखराजात इसी के सुपुर्द हैं। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नाजरीन, ड्रामा सीरियल करार के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अमार के भाई जुनेद की मुलाकात माया से होगी। माया जुनेद को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लेगी और दूसरी जानब माया फरीहा से हसद करेगी। माया सोचती है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ इसके जुम्मेदार फरीहा है, मगर माया को इस बात का अंदाजा नहीं कि उसका घर तबाह होने में उसका गुरूर तकब्बर इसकी बुनियादी वजह है। और आप देखेंगे जब अमार फरीहा के वालिद की खैरियत दरियाफ्त करने आएगा तो फरीहा की दोस्त और अमार की रानी फरीहा से कहेगी कि ये जरूरी तो नहीं कि अमार सराज अंकल की खैरियत ही दरियाफ्त करने गया हो, बल्कि क्या पता वो माया से मिलने के बहाने गया हो। जिसके बाद आप देखेंगे माया बहुत हैरान होगी और सोचेगी क्या अमार और माया इस तरह कर सकते हैं, सबको धोखा दे सकते हैं। फरीहा को इस बात का भी अंदाजा है कि माया कुछ भी कर सकती है, माया पर किसी सूरत भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और दूसरी जानब आप देखेंगे माया जब अमार को अपने घर में देखेगी तो वो अमार को बहुत हसद भरी निगाहों से देखेगी और सोचेगी कि फरीहा ने क्या किस्मत पाई है कि अगर मैं अमार को ना ठुकराती तो उसकी शादी अमार से ना होती, इतना अच्छा और खूबसूरत शोहर फरीहा को कैसे नसीब होता। और आप देखेंगे जब अमार का भाई घर वापस आएगा तो अमार की तमाम फैमिली फरीहा के वालिद की खैरियत दरियाफ्त करने उनके घर जाएगी, वहाँ पर जुनेद की मुलाकात माया से होगी। तो आप देखेंगे माया जुनेद को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लेगी क्योंकि माया जानती है ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और बैरून मुल्क रहता है। अमार के घर के तमाम अखराजात इसी के सुपुर्द हैं। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नाजरीन, ड्रामा सीरियल करार के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अमार के भाई जुनेद की मुलाकात माया से होगी। माया जुनेद को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लेगी और दूसरी जानब माया फरीहा से हसद करेगी। माया सोचती है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ इसके जुम्मेदार फरीहा है, मगर माया को इस बात का अंदाजा नहीं कि उसका घर तबाह होने में उसका गुरूर तकब्बर इसकी बुनियादी वजह है। और आप देखेंगे जब अमार फरीहा के वालिद की खैरियत दरियाफ्त करने आएगा तो फरीहा की दोस्त और अमार की रानी फरीहा से कहेगी कि ये जरूरी तो नहीं कि अमार सराज अंकल की खैरियत ही दरियाफ्त करने गया हो, बल्कि क्या पता वो माया से मिलने के बहाने गया हो। जिसके बाद आप देखेंगे माया बहुत हैरान होगी और सोचेगी क्या अमार और माया इस तरह कर सकते हैं, सबको धोखा दे सकते हैं। फरीहा को इस बात का भी अंदाजा है कि माया कुछ भी कर सकती है, माया पर किसी सूरत भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और दूसरी जानब आप देखेंगे माया जब अमार को अपने घर में देखेगी तो वो अमार को बहुत हसद भरी निगाहों से देखेगी और सोचेगी कि फरीहा ने क्या किस्मत पाई है कि अगर मैं अमार को ना ठुकराती तो उसकी शादी अमार से ना होती, इतना अच्छा और खूबसूरत शोहर फरीहा को कैसे नसीब होता। और आप देखेंगे जब अमार का भाई घर वापस आएगा तो अमार की तमाम फैमिली फरीहा के वालिद की खैरियत दरियाफ्त करने उनके घर जाएगी, वहाँ पर जुनेद की मुलाकात माया से होगी। तो आप देखेंगे माया जुनेद को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लेगी क्योंकि माया जानती है ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और बैरून मुल्क रहता है।
अमार के घर के तमाम अखराजात इसी के सुपुर्द हैं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल करार के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अमार के भाई जुनेद की मुलाकात माया से होगी। माया जुनेद को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लेगी और दूसरी जानब माया फरीहा से हसद करेगी। माया सोचती है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ इसके जुम्मेदार फरीहा है, मगर माया को इस बात का अंदाजा नहीं कि उसका घर तबाह होने में उसका गुरूर तकबर इसकी बुनियादी वजह है। और आप देखेंगे जब अमार फरीहा के वालिद की खैरियत दरियाफ्त करने आएगा तो फरीहा की दोस्त और अमार की रानी फरीहा से कहेगी कि ये जरूरी तो नहीं कि अमार सराज अंकल की खैरियत ही दरियाफ्त करने गया हो, बल्कि क्या पता वो माया से मिलने के बहाने गया हो। जिसके बाद आप देखेंगे माया बहुत हैरान होगी और सोचेगी क्या अमार और माया इस तरह कर सकते हैं, सबको धोखा दे सकते हैं। फरीहा को इस बात का भी अंदाजा है कि माया कुछ भी कर सकती है, माया पर किसी सूरत भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और दूसरी जानब आप देखेंगे माया जब अमार को अपने घर में देखेगी तो वो अमार को बहुत हसद भरी निगाहों से देखेगी और सोचेगी कि फरीहा ने क्या किस्मत पाई है कि अगर मैं अमार को ना ठुकराती तो उसकी शादी अमार से ना होती, इतना अच्छा और खूबसूरत शोहर फरीहा को कैसे नसीब होता। और अब देखेंगे जब अमार का भाई घर वापस आएगा तो अमार की तमाम फैमिली फरीहा के वालिद की खैरियत दरियाफ्त करने उनके घर जाएगी। वहाँ पर जुनेद की मुलाकात माया से होगी तो अब देखेंगे माया जुनेद को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लेगी, क्योंकि माया जानती है ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और बैरून मुल्क रहता है। अमार के घर के तमाम अखराजात इसी के सुपुर्द हैं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल करार के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अमार के भाई जुनेद की मुलाकात माया से होगी। माया जुनेद को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लेगी और दूसरी जानब माया फरीहा से हसद करेगी। माया सोचती है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ इसके जुम्मेदार फरीहा है, मगर माया को इस बात का अंदाजा नहीं कि उसका घर तबाह होने में उसका गुरूर तकबर इसकी बुनियादी वजह है। और आप देखेंगे जब अमार फरीहा के वालिद की खैरियत दरियाफ्त करने आएगा तो फरीहा की दोस्त और अमार की रानी फरीहा से कहेगी कि ये जरूरी तो नहीं कि अमार सराज अंकल की खैरियत ही दरियाफ्त करने गया हो, बल्कि क्या पता वो माया से मिलने के बहाने गया हो। जिसके बाद आप देखेंगे माया बहुत हैरान होगी और सोचेगी क्या अमार और माया इस तरह कर सकते हैं, सबको धोखा दे सकते हैं। फरीहा को इस बात का भी अंदाजा है कि माया कुछ भी कर सकती है, माया पर किसी सूरत भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और दूसरी जानब आप देखेंगे माया जब अमार को अपने घर में देखेगी तो वो अमार को बहुत हसद भरी निगाहों से देखेगी और सोचेगी कि फरीहा ने क्या किस्मत पाई है कि अगर मैं अमार को ना ठुकराती तो उसकी शादी अमार से ना होती, इतना अच्छा और खूबसूरत शोहर फरीहा को कैसे नसीब होता। और अब देखेंगे जब अमार का भाई घर वापस आएगा तो अमार की तमाम फैमिली फरीहा के वालिद की खैरियत दरियाफ्त करने उनके घर जाएगी। वहाँ पर जुनेद की मुलाकात माया से होगी तो अब देखेंगे माया जुनेद को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लेगी, क्योंकि माया जानती है ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और बैरून मुल्क रहता है। अमार के घर के तमाम अखराजात इसी के सुपुर्द हैं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल करार के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अमार के भाई जुनेद की मुलाकात माया से होगी। माया जुनेद को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लेगी और दूसरी जानब माया फरीहा से हसद करेगी। माया सोचती है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ इसके जुम्मेदार फरीहा है, मगर माया को इस बात का अंदाजा नहीं कि उसका घर तबाह होने में उसका गुरूर तकबर इसकी बुनियादी वजह है। और आप देखेंगे जब अमार फरीहा के वालिद की खैरियत दरियाफ्त करने आएगा तो फरीहा की दोस्त और अमार की रानी फरीहा से कहेगी कि ये जरूरी तो नहीं कि अमार सराज अंकल की खैरियत ही दरियाफ्त करने गया हो, बल्कि क्या पता वो माया से मिलने के बहाने गया हो। जिसके बाद आप देखेंगे माया बहुत हैरान होगी और सोचेगी क्या अमार और माया इस तरह कर सकते हैं, सबको धोखा दे सकते हैं। फरीहा को इस बात का भी अंदाजा है कि माया कुछ भी कर सकती है, माया पर किसी सूरत भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और दूसरी जानब आप देखेंगे माया जब अमार को अपने घर में देखेगी तो वो अमार को बहुत हसद भरी निगाहों से देखेगी
देखेगी और सोचेगी कि फरीहा ने क्या किस्मत पाई है कि अगर मैं अमार को ना ठुकराती तो उसकी शादी अमार से ना होती, इतना अच्छा और खूबसूरत शोहर फरीहा को कैसे नसीब होता। और अब देखेंगे जब अमार का भाई घर वापस आएगा तो अमार की तमाम फैमिली फरीहा के वालिद की खैरियत दरियाफ्त करने उनके घर जाएगी। वहाँ पर जुनेद की मुलाकात माया से होगी तो अब देखेंगे माया जुनेद को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लेगी, क्योंकि माया जानती है ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और बैरूने मुल्क रहता है। अमार के घर के तमाम अखराजात इसी के सुपुर्द हैं। नाज़रीन अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नाज़रीन ड्रामा सीरियल करार के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अमार के भाई जुनेद की मुलाकात माया से होगी। माया जुनेद को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लेगी और दूसरी जानब माया फरीहा से हसद करेगी। माया सोचती है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ इसके जुम्मेदार फरीहा है, मगर माया को इस बात का अंदाजा नहीं कि उसका घर तबाह होने में उसका गुरूर तकबर इसकी बुनियादी वजह है। और अब देखेंगे जब अमार फरीहा के वालिद की खैरियत दरियाफ्त करने आएगा तो फरीहा की दोस्त और अमार की रानी फरीहा से कहेगी कि ये जरूरी तो नहीं कि अमार सराज अंकल की खैरियत ही दरियाफ्त करने गया हो, बल्कि क्या पता वो माया से मिलने के बहाने गया हो। जिसके बाद आप देखेंगे माया बहुत हैरान होगी और सोचेगी क्या अमार और माया इस तरह कर सकते हैं, सबको धोखा दे सकते हैं। फरीहा को इस बात का भी अंदाजा है कि माया कुछ भी कर सकती है, माया पर किसी सूरत भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और दूसरी जानब आप देखेंगे माया जब अमार को अपने घर में देखेगी तो वो अमार को बहुत हसद भरी निगाहों से देखेगी और सोचेगी कि फरीहा ने क्या किस्मत पाई है कि अगर मैं अमार को ना ठुकराती तो उसकी शादी अमार से ना होती, इतना अच्छा और खूबसूरत शोहर फरीहा को कैसे नसीब होता। और अब देखेंगे जब अमार का भाई घर वापस आएगा तो अमार की तमाम फैमिली फरीहा के वालिद की खैरियत दरियाफ्त करने उनके घर जाएगी। वहाँ पर जुनेद की मुलाकात माया से होगी तो अब देखेंगे माया जुनेद को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लेगी, क्योंकि माया जानती है ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और बैरूने मुल्क रहता है। अमार के घर के तमाम अखराजात इसी के सुपुर्द हैं। नाज़रीन अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नाज़रीन ड्रामा सीरियल करार के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अमार के भाई जुनेद की मुलाकात माया से होगी। माया जुनेद को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लेगी और दूसरी जानब माया फरीहा से हसद करेगी। माया सोचती है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ इसके जुम्मेदार फरीहा है, मगर माया को इस बात का अंदाजा नहीं कि उसका घर तबाह होने में उसका गुरूर तकबर इसकी बुनियादी वजह है। और अब देखेंगे जब अमार फरीहा के वालिद की खैरियत दरियाफ्त करने आएगा तो फरीहा की दोस्त और अमार की रानी फरीहा से कहेगी कि ये जरूरी तो नहीं कि अमार सराज अंकल की खैरियत ही दरियाफ्त करने गया हो, बल्कि क्या पता वो माया से मिलने के बहाने गया हो। जिसके बाद आप देखेंगे माया बहुत हैरान होगी और सोचेगी क्या अमार और माया इस तरह कर सकते हैं, सबको धोखा दे सकते हैं। फरीहा को इस बात का भी अंदाजा है कि माया कुछ भी कर सकती है, माया पर किसी सूरत भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और दूसरी जानब आप देखेंगे माया जब अमार को अपने घर में देखेगी तो वो अमार को बहुत हसद भरी निगाहों से देखेगी और सोचेगी कि फरीहा ने क्या किस्मत पाई है कि अगर मैं अमार को ना ठुकराती तो उसकी शादी अमार से ना होती, इतना अच्छा और खूबसूरत शोहर फरीहा को कैसे नसीब होता। और अब देखेंगे जब अमार का भाई घर वापस आएगा तो अमार की तमाम फैमिली फरीहा के वालिद की खैरियत दरियाफ्त करने उनके घर जाएगी। वहाँ पर जुनेद की मुलाकात माया से होगी तो अब देखेंगे माया जुनेद को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लेगी, क्योंकि माया जानती है ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और बैरूने मुल्क रहता है। अमार के घर के तमाम अखराजात इसी के सुपुर्द हैं। नाज़रीन अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नाज़रीन ड्रामा सीरियल करार के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अमार के भाई जुनेद की मुलाकात माया से होगी। माया जुनेद को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लेगी और दूसरी जानब माया फरीहा से हसद करेगी। माया सोचती है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ इसके जुम्मेदार फरीहा है, मगर माया को इस बात का अंदाजा नहीं कि उसका घर तबाह होने में उसका गुरूर तकबर इसकी बुनियादी वजह है। और अब देखेंगे जब अमार फरीहा के वालिद की खैरियत दरियाफ्त करने आएगा तो फरीहा की दोस्त और अमार की
कजन रानी फरीहा से कहेगी कि ये जरूरी तो नहीं कि अमार सराज अंकल की खैरियत ही दरियाफ्त करने गया हो, बल्कि क्या पता वो माया से मिलने के बहाने गया हो। जिसके बाद आप देखेंगे माया बहुत हैरान होगी और सोचेगी क्या अमार और माया इस तरह कर सकते हैं, सबको धोखा दे सकते हैं। फरीहा को इस बात का भी अंदाजा है कि माया कुछ भी कर सकती है, माया पर किसी सूरत भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और दूसरी जानब आप देखेंगे माया जब अमार को अपने घर में देखेगी तो वो अमार को बहुत हसद भरी निगाहों से देखेगी और सोचेगी कि फरीहा ने क्या किस्मत पाई है कि अगर मैं अमार को ना ठुकराती तो उसकी शादी अमार से ना होती, इतना अच्छा और खूबसूरत शोहर फरीहा को कैसे नसीब होता। और आप देखेंगे जब अमार का भाई घर वापस आएगा तो अमार की तमाम फैमिली फरीहा के वालिद की खैरियत दरियाफ्त करने उनके घर जाएगी। वहाँ पर जुनेद की मुलाकात माया से होगी तो आप देखेंगे माया जुनेद को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लेगी, क्योंकि माया जानती है ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और बैरून मुल्क रहता है। अमार के घर के तमाम अखराजात इसी के सुपुर्द हैं। नाज़रीन अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नाजरीन ड्रामा सीरियल करार के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अमार के भाई जुनेद की मुलाकात माया से होगी, माया जुनेद को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लेगी और दूसरी जानब माया फरीहा से हसद करेगी। माया सोचती है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ इसके जुम्मेदार फरीहा है, मगर माया को इस बात का अंदाजा नहीं कि उसका घर तबाह होने में उसका गुरूर तकब्बर इसकी बुनियादी वजह है। और आप देखेंगे जब अमार फरीहा के वालिद की खैरियत दरियाफ्त करने आएगा तो फरीहा की दोस्त और अमार की रानी फरीहा से कहेगी कि ये जरूरी तो नहीं कि अमार सराज अंकल की खैरियत ही दरियाफ्त करने गया हो, बल्कि क्या पता वो माया से मिलने के बहाने गया हो। जिसके बाद आप देखेंगे माया बहुत हैरान होगी और सोचेगी क्या अमार और माया इस तरह कर सकते हैं, सबको धोखा दे सकते हैं। फरीहा को इस बात का भी अंदाजा है कि माया कुछ भी कर सकती है, माया पर किसी सूरत भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और दूसरी जानब आप देखेंगे माया जब अमार को अपने घर में देखेगी तो वो अमार को बहुत हसद भरी निगाहों से देखेगी और सोचेगी कि फरीहा ने क्या किस्मत पाई है कि अगर मैं अमार को ना ठुकराती तो उसकी शादी अमार से ना होती, इतना अच्छा और खूबसूरत शोहर फरीहा को कैसे नसीब होता। और आप देखेंगे जब अमार का भाई घर वापस आएगा तो अमार की तमाम फैमिली फरीहा के वालिद की खैरियत दरियाफ्त करने उनके घर जाएगी। वहाँ पर जुनेद की मुलाकात माया से होगी तो आप देखेंगे माया जुनेद को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लेगी, क्योंकि माया जानती है ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और बैरून मुल्क रहता है। अमार के घर के तमाम अखराजात इसी के सुपुर्द हैं। नाज़रीन अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नाजरीन ड्रामा सीरियल करार के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अमार के भाई जुनेद की मुलाकात माया से होगी, माया जुनेद को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लेगी और दूसरी जानब माया फरीहा से हसद करेगी। माया सोचती है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ इसके जुम्मेदार फरीहा है, मगर माया को इस बात का अंदाजा नहीं कि उसका घर तबाह होने में उसका गुरूर तकब्बर इसकी बुनियादी वजह है। और आप देखेंगे जब अमार फरीहा के वालिद की खैरियत दरियाफ्त करने आएगा तो फरीहा की दोस्त और अमार की रानी फरीहा से कहेगी कि ये जरूरी तो नहीं कि अमार सराज अंकल की खैरियत ही दरियाफ्त करने गया हो, बल्कि क्या पता वो माया से मिलने के बहाने गया हो। जिसके बाद आप देखेंगे माया बहुत हैरान होगी और सोचेगी क्या अमार और माया इस तरह कर सकते हैं, सबको धोखा दे सकते हैं। फरीहा को इस बात का भी अंदाजा है कि माया कुछ भी कर सकती है, माया पर किसी सूरत भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और दूसरी जानब आप देखेंगे माया जब अमार को अपने घर में देखेगी तो वो अमार को बहुत हसद भरी निगाहों से देखेगी और सोचेगी कि फरीहा ने क्या किस्मत पाई है कि अगर मैं अमार को ना ठुकराती तो उसकी शादी अमार से ना होती, इतना अच्छा और खूबसूरत शोहर फरीहा को कैसे नसीब होता। और आप देखेंगे जब अमार का भाई घर वापस आएगा तो अमार की तमाम फैमिली फरीहा के वालिद की खैरियत दरियाफ्त करने उनके घर जाएगी। वहाँ पर जुनेद की मुलाकात माया से होगी तो आप देखेंगे माया जुनेद को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लेगी, क्योंकि माया जानती है ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और बैरून मुल्क रहता है। अमार के घर के तमाम अखराजात इसी के सुपुर्द हैं। नाजरीन अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।
नाजरीन ड्रामा सीरियल करार के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अमार के भाई जुनेद की मुलाकात माया से होगी। माया जुनेद को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लेगी और दूसरी जानब माया फरीहा से हसद करेगी। माया सोचती है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ इसके जुम्मेदार फरीहा है, मगर माया को इस बात का अंदाजा नहीं कि उसका घर तबाह होने में उसका गुरूर तकब्बर इसकी बुनियादी वजह है। और आप देखेंगे जब अमार फरीहा के वालिद की खैरियत दरियाफ्त करने आएगा तो फरीहा की दोस्त और अमार की रानी फरीहा से कहेगी कि ये जरूरी तो नहीं कि अमार सराज अंकल की खैरियत ही दरियाफ्त करने गया हो, बल्कि क्या पता वो माया से मिलने के बहाने गया हो। जिसके बाद आप देखेंगे माया बहुत हैरान होगी और सोचेगी क्या अमार और माया इस तरह कर सकते हैं, सबको धोखा दे सकते हैं। फरीहा को इस बात का भी अंदाजा है कि माया कुछ भी कर सकती है, माया पर किसी सूरत भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और दूसरी जानब आप देखेंगे माया जब अमार को अपने घर में देखेगी तो वो अमार को बहुत हसद भरी निगाहों से देखेगी और सोचेगी कि फरीहा ने क्या किस्मत पाई है कि अगर मैं अमार को ना ठुकराती तो उसकी शादी अमार से ना होती, इतना अच्छा और खूबसूरत शोहर फरीहा को कैसे नसीब होता। और अब देखेंगे जब अमार का भाई घर वापस आएगा तो अमार की तमाम फैमिली फरीहा के वालिद की खैरियत दरियाफ्त करने उनके घर जाएगी। वहाँ पर जुनेद की मुलाकात माया से होगी तो आप देखेंगे माया जुनेद को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लेगी, क्योंकि माया जानती है ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और बैरून मुल्क रहता है। अमार के घर के तमाम अखराजात इसी के सुपुर्द हैं। नाजरीन अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नाजरीन ड्रामा सीरियल करार के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अमार के भाई जुनेद की मुलाकात माया से होगी। माया जुनेद को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लेगी और दूसरी जानब माया फरीहा से हसद करेगी। माया सोचती है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ इसके जुम्मेदार फरीहा है, मगर माया को इस बात का अंदाजा नहीं कि उसका घर तबाह होने में उसका गुरूर तकब्बर इसकी बुनियादी वजह है। और आप देखेंगे जब अमार फरीहा के वालिद की खैरियत दरियाफ्त करने आएगा तो फरीहा की दोस्त और अमार की रानी फरीहा से कहेगी कि ये जरूरी तो नहीं कि अमार सराज अंकल की खैरियत ही दरियाफ्त करने गया हो, बल्कि क्या पता वो माया से मिलने के बहाने गया हो। जिसके बाद आप देखेंगे माया बहुत हैरान होगी और सोचेगी क्या अमार और माया इस तरह कर सकते हैं, सबको धोखा दे सकते हैं। फरीहा को इस बात का भी अंदाजा है कि माया कुछ भी कर सकती है, माया पर किसी सूरत भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और दूसरी जानब आप देखेंगे माया जब अमार को अपने घर में देखेगी तो वो अमार को बहुत हसद भरी निगाहों से देखेगी और सोचेगी कि फरीहा ने क्या किस्मत पाई है कि अगर मैं अमार को ना ठुकराती तो उसकी शादी अमार से ना होती, इतना अच्छा और खूबसूरत शोहर फरीहा को कैसे नसीब होता। और अब देखेंगे जब अमार का भाई घर वापस आएगा तो अमार की तमाम फैमिली फरीहा के वालिद की खैरियत दरियाफ्त करने उनके घर जाएगी। वहाँ पर जुनेद की मुलाकात माया से होगी तो आप देखेंगे माया जुनेद को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लेगी, क्योंकि माया जानती है ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और बैरून मुल्क रहता है। अमार के घर के तमाम अखराजात इसी के सुपुर्द हैं। नाजरीन अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नाजरीन ड्रामा सीरियल करार के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अमार के भाई जुनेद की मुलाकात माया से होगी। माया जुनेद को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लेगी और दूसरी जानब माया फरीहा से हसद करेगी। माया सोचती है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ इसके जुम्मेदार फरीहा है, मगर माया को इस बात का अंदाजा नहीं कि उसका घर तबाह होने में उसका गुरूर तकब्बर इसकी बुनियादी वजह है। और आप देखेंगे जब अमार फरीहा के वालिद की खैरियत दरियाफ्त करने आएगा तो फरीहा की दोस्त और अमार की रानी फरीहा से कहेगी कि ये जरूरी तो नहीं कि अमार सराज अंकल की खैरियत ही दरियाफ्त करने गया हो, बल्कि क्या पता वो माया से मिलने के बहाने गया हो। जिसके बाद आप देखेंगे माया बहुत हैरान होगी और सोचेगी क्या अमार और माया इस तरह कर सकते हैं, सबको धोखा दे सकते हैं। फरीहा को इस बात का भी अंदाजा है कि माया कुछ भी कर सकती है, माया पर किसी सूरत भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और दूसरी जानब आप देखेंगे माया जब अमार को अपने घर में देखेगी तो वो अमार को बहुत हसद भरी निगाहों से देखेगी और सोचेगी कि फरीहा ने क्या किस्मत पाई है कि अगर मैं अमार को ना ठुकराती तो उसकी शादी अमार से ना होती, इतना अच्छा और खूबसूरत शोहर फरीहा को कैसे नसीब होता। और आप देखेंगे जब अमार का भाई घर वापस आएगा तो अमार की तमाम फैमिली फरीहा के वालिद की खैरियत दरियाफ्त करने उनके घर जाएगी। वहाँ पर जुनेद की मुलाकात माया से होगी तो आप देखेंगे माया जुनेद को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लेगी, क्योंकि माया जानती है ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और बैरून मुल्क रहता है। अमार के घर का
अमार के घर के तमाम अखराजात इसी के सुपुर्द हैं। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नाजरीन, ड्रामा सीरियल करार के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अमार के भाई जुनेद की मुलाकात माया से होगी। माया जुनेद को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लेगी और दूसरी जानब माया फरीहा से हसद करेगी। माया सोचती है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ इसके जुम्मेदार फरीहा है, मगर माया को इस बात का अंदाजा नहीं कि उसका घर तबाह होने में उसका गुरूर तकब्बर इसकी बुनियादी वजह है। और आप देखेंगे जब अमार फरीहा के वालिद की खैरियत दरियाफ्त करने आएगा तो फरीहा की दोस्त और अमार की रानी फरीहा से कहेगी कि ये जरूरी तो नहीं कि अमार सराज अंकल की खैरियत ही दरियाफ्त करने गया हो, बल्कि क्या पता वो माया से मिलने के बहाने गया हो। जिसके बाद आप देखेंगे माया बहुत हैरान होगी और सोचेगी क्या अमार और माया इस तरह कर सकते हैं, सबको धोखा दे सकते हैं। फरीहा को इस बात का भी अंदाजा है कि माया कुछ भी कर सकती है, माया पर किसी सूरत भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और दूसरी जानब आप देखेंगे माया जब अमार को अपने घर में देखेगी तो वो अमार को बहुत हसद भरी निगाहों से देखेगी और सोचेगी कि फरीहा ने क्या किस्मत पाई है कि अगर मैं अमार को ना ठुकराती तो उसकी शादी अमार से ना होती, इतना अच्छा और खूबसूरत शोहर फरीहा को कैसे नसीब होता। और अब देखेंगे जब अमार का भाई घर वापस आएगा तो अमार की तमाम फैमिली फरीहा के वालिद की खैरियत दरियाफ्त करने उनके घर जाएगी। वहाँ पर जुनेद की मुलाकात माया से होगी तो अब देखेंगे माया जुनेद को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लेगी, क्योंकि माया जानती है ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और बैरून मुल्क रहता है। अमार के घर के तमाम अखराजात इसी के सुपुर्द हैं। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नाजरीन, ड्रामा सीरियल करार के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अमार के भाई जुनेद की मुलाकात माया से होगी। माया जुनेद को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लेगी और दूसरी जानब माया फरीहा से हसद करेगी। माया सोचती है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ इसके जुम्मेदार फरीहा है, मगर माया को इस बात का अंदाजा नहीं कि उसका घर तबाह होने में उसका गुरूर तकब्बर इसकी बुनियादी वजह है। और आप देखेंगे जब अमार फरीहा के वालिद की खैरियत दरियाफ्त करने आएगा तो फरीहा की दोस्त और अमार की रानी फरीहा से कहेगी कि ये जरूरी तो नहीं कि अमार सराज अंकल की खैरियत ही दरियाफ्त करने गया हो, बल्कि क्या पता वो माया से मिलने के बहाने गया हो। जिसके बाद आप देखेंगे माया बहुत हैरान होगी और सोचेगी क्या अमार और माया इस तरह कर सकते हैं, सबको धोखा दे सकते हैं। फरीहा को इस बात का भी अंदाजा है कि माया कुछ भी कर सकती है, माया पर किसी सूरत भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और दूसरी जानब आप देखेंगे माया जब अमार को अपने घर में देखेगी तो वो अमार को बहुत हसद भरी निगाहों से देखेगी और सोचेगी कि फरीहा ने क्या किस्मत पाई है कि अगर मैं अमार को ना ठुकराती तो उसकी शादी अमार से ना होती, इतना अच्छा और खूबसूरत शोहर फरीहा को कैसे नसीब होता। और अब देखेंगे जब अमार का भाई घर वापस आएगा तो अमार की तमाम फैमिली फरीहा के वालिद की खैरियत दरियाफ्त करने उनके घर जाएगी। वहाँ पर जुनेद की मुलाकात माया से होगी तो अब देखेंगे माया जुनेद को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लेगी, क्योंकि माया जानती है ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और बैरून मुल्क रहता है। अमार के घर के तमाम अखराजात इसी के सुपुर्द हैं। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नाजरीन, ड्रामा सीरियल करार के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अमार के भाई जुनेद की मुलाकात माया से होगी। माया जुनेद को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लेगी और दूसरी जानब माया फरीहा से हसद करेगी। माया सोचती है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ इसके जुम्मेदार फरीहा है, मगर माया को इस बात का अंदाजा नहीं कि उसका घर तबाह होने में उसका गुरूर तकब्बर इसकी बुनियादी वजह है। और आप देखेंगे जब अमार फरीहा के वालिद की खैरियत दरियाफ्त करने आएगा तो फरीहा की दोस्त और अमार की रानी फरीहा से कहेगी कि ये जरूरी तो नहीं कि अमार सराज अंकल की खैरियत ही दरियाफ्त करने गया हो, बल्कि क्या पता वो माया से मिलने के बहाने गया हो। जिसके बाद आप देखेंगे माया बहुत हैरान होगी और सोचेगी क्या अमार और माया इस तरह कर सकते हैं, सबको धोखा दे सकते हैं। फरीहा को इस बात का भी अंदाजा है कि माया कुछ भी कर सकती है, माया पर किसी सूरत भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और दूसरी जानब आप देखेंगे माया जब अमार को अपने घर में देखेगी तो वो अमार को बहुत हसद भरी निगाहों से देखेगी
देखेगी और सोचेगी कि फरीहा ने क्या किस्मत पाई है कि अगर मैं अमार को ना ठुकराती तो उसकी शादी अमार से ना होती, इतना अच्छा और खूबसूरत शोहर फरीहा को कैसे नसीब होता। और अब देखेंगे जब अमार का भाई घर वापस आएगा तो अमार की तमाम फैमिली फरीहा के वालिद की खैरियत दरियाफ्त करने उनके घर जाएगी। वहाँ पर जुनेद की मुलाकात माया से होगी तो अब देखेंगे माया जुनेद को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लेगी, क्योंकि माया जानती है ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और बैरून मुल्क रहता है। अमार के घर के तमाम अखराजात इसी के सुपुर्द हैं। नाज़रीन अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नाज़रीन ड्रामा सीरियल करार के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अमार के भाई जुनेद की मुलाकात माया से होगी। माया जुनेद को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लेगी और दूसरी जानब माया फरीहा से हसद करेगी। माया सोचती है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ इसके जिम्मेदार फरीहा है, मगर माया को इस बात का अंदाजा नहीं कि उसका घर तबाह होने में उसका गुरूर तकब्बर इसकी बुनियादी वजह है। और अब देखेंगे जब अमार फरीहा के वालिद की खैरियत दरियाफ्त करने आएगा तो फरीहा की दोस्त और अमार की रानी फरीहा से कहेगी कि ये जरूरी तो नहीं कि अमार सराज अंकल की खैरियत ही दरियाफ्त करने गया हो, बल्कि क्या पता वो माया से मिलने के बहाने गया हो। जिसके बाद आप देखेंगे माया बहुत हैरान होगी और सोचेगी क्या अमार और माया इस तरह कर सकते हैं, सबको धोखा दे सकते हैं। फरीहा को इस बात का भी अंदाजा है कि माया कुछ भी कर सकती है, माया पर किसी सूरत भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और दूसरी जानब आप देखेंगे माया जब अमार को अपने घर में देखेगी तो वो अमार को बहुत हसद भरी निगाहों से देखेगी और सोचेगी कि फरीहा ने क्या किस्मत पाई है कि अगर मैं अमार को ना ठुकराती तो उसकी शादी अमार से ना होती, इतना अच्छा और खूबसूरत शोहर फरीहा को कैसे नसीब होता। और अब देखेंगे जब अमार का भाई घर वापस आएगा तो अमार की तमाम फैमिली फरीहा के वालिद की खैरियत दरियाफ्त करने उनके घर जाएगी। वहाँ पर जुनेद की मुलाकात माया से होगी तो अब देखेंगे माया जुनेद को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लेगी, क्योंकि माया जानती है ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और बैरून मुल्क रहता है। अमार के घर के तमाम अखराजात इसी के सुपुर्द हैं। नाज़रीन अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नाज़रीन ड्रामा सीरियल करार के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अमार के भाई जुनेद की मुलाकात माया से होगी। माया जुनेद को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लेगी और दूसरी जानब माया फरीहा से हसद करेगी। माया सोचती है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ इसके जिम्मेदार फरीहा है, मगर माया को इस बात का अंदाजा नहीं कि उसका घर तबाह होने में उसका गुरूर तकब्बर इसकी बुनियादी वजह है। और अब देखेंगे जब अमार फरीहा के वालिद की खैरियत दरियाफ्त करने आएगा तो फरीहा की दोस्त और अमार की रानी फरीहा से कहेगी कि ये जरूरी तो नहीं कि अमार सराज अंकल की खैरियत ही दरियाफ्त करने गया हो, बल्कि क्या पता वो माया से मिलने के बहाने गया हो। जिसके बाद आप देखेंगे माया बहुत हैरान होगी और सोचेगी क्या अमार और माया इस तरह कर सकते हैं, सबको धोखा दे सकते हैं। फरीहा को इस बात का भी अंदाजा है कि माया कुछ भी कर सकती है, माया पर किसी सूरत भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और दूसरी जानब आप देखेंगे माया जब अमार को अपने घर में देखेगी तो वो अमार को बहुत हसद भरी निगाहों से देखेगी और सोचेगी कि फरीहा ने क्या किस्मत पाई है कि अगर मैं अमार को ना ठुकराती तो उसकी शादी अमार से ना होती, इतना अच्छा और खूबसूरत शोहर फरीहा को कैसे नसीब होता। और अब देखेंगे जब अमार का भाई घर वापस आएगा तो अमार की तमाम फैमिली फरीहा के वालिद की खैरियत दरियाफ्त करने उनके घर जाएगी। वहाँ पर जुनेद की मुलाकात माया से होगी तो अब देखेंगे माया जुनेद को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लेगी, क्योंकि माया जानती है ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और बैरून मुल्क रहता है। अमार के घर के तमाम अखराजात इसी के सुपुर्द हैं। नाज़रीन अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नाज़रीन ड्रामा सीरियल करार के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अमार के भाई जुनेद की मुलाकात माया से होगी। माया जुनेद को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लेगी और दूसरी जानब माया फरीहा से हसद करेगी। माया सोचती है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ इसके जिम्मेदार फरीहा है, मगर माया को इस बात का अंदाजा नहीं कि उसका घर तबाह होने में उसका गुरूर तकब्बर इसकी बुनियादी वजह है। और अब देखेंगे जब अमार फरीहा के वालिद की खैरियत दरियाफ्त करने आएगा तो फरीहा की दोस्त और अमार की
फौरन रानी फरीहा से कहेगी कि ये जरूरी तो नहीं कि अमार सराज अंकल की खैरियत ही दरियाफ्त करने गया हो, बल्कि क्या पता वो माया से मिलने के बहाने गया हो। जिसके बाद आप देखेंगे माया बहुत हैरान होगी और सोचेगी क्या अमार और माया इस तरह कर सकते हैं, सबको धोखा दे सकते हैं। फरीहा को इस बात का भी अंदाजा है कि माया कुछ भी कर सकती है, माया पर किसी सूरत भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और दूसरी जानब आप देखेंगे माया जब अमार को अपने घर में देखेगी तो वो अमार को बहुत हसद भरी निगाहों से देखेगी और सोचेगी कि फरीहा ने क्या किस्मत पाई है कि अगर मैं अमार को ना ठुकराती तो उसकी शादी अमार से ना होती, इतना अच्छा और खूबसूरत शोहर फरीहा को कैसे नसीब होता। और आप देखेंगे जब अमार का भाई घर वापस आएगा तो अमार की तमाम फैमिली फरीहा के वालिद की खैरियत दरियाफ्त करने उनके घर जाएगी, वहाँ पर जुनेद की मुलाकात माया से होगी। तो आप देखेंगे माया जुनेद को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लेगी, क्योंकि माया जानती है ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और बैरून मुल्क रहता है। अमार के घर के तमाम अखराजात इसी के सुपुर्द हैं। नाज़रीन अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नाज़रीन ड्रामा सीरियल करार के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अमार के भाई जुनेद की मुलाकात माया से होगी, माया जुनेद को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लेगी। और दूसरी जानब माया फरीहा से हसद करेगी, माया सोचती है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ इसके जुम्मेदार फरीहा है, मगर माया को इस बात का अंदाजा नहीं कि उसका घर तबाह होने में उसका गुरूर तकब्बर इसकी बुनियादी वजह है। और आप देखेंगे जब अमार फरीहा के वालिद की खैरियत दरियाफ्त करने आएगा तो फरीहा की दोस्त और अमार की रानी फरीहा से कहेगी कि ये जरूरी तो नहीं कि अमार सराज अंकल की खैरियत ही दरियाफ्त करने गया हो, बल्कि क्या पता वो माया से मिलने के बहाने गया हो। जिसके बाद आप देखेंगे माया बहुत हैरान होगी और सोचेगी क्या अमार और माया इस तरह कर सकते हैं, सबको धोखा दे सकते हैं। फरीहा को इस बात का भी अंदाजा है कि माया कुछ भी कर सकती है, माया पर किसी सूरत भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और दूसरी जानब आप देखेंगे माया जब अमार को अपने घर में देखेगी तो वो अमार को बहुत हसद भरी निगाहों से देखेगी और सोचेगी कि फरीहा ने क्या किस्मत पाई है कि अगर मैं अमार को ना ठुकराती तो उसकी शादी अमार से ना होती, इतना अच्छा और खूबसूरत शोहर फरीहा को कैसे नसीब होता। और आप देखेंगे जब अमार का भाई घर वापस आएगा तो अमार की तमाम फैमिली फरीहा के वालिद की खैरियत दरियाफ्त करने उनके घर जाएगी, वहाँ पर जुनेद की मुलाकात माया से होगी। तो आप देखेंगे माया जुनेद को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लेगी, क्योंकि माया जानती है ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और बैरून मुल्क रहता है। अमार के घर के तमाम अखराजात इसी के सुपुर्द हैं। नाज़रीन अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नाज़रीन ड्रामा सीरियल करार के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अमार के भाई जुनेद की मुलाकात माया से होगी, माया जुनेद को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लेगी। और दूसरी जानब माया फरीहा से हसद करेगी, माया सोचती है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ इसके जुम्मेदार फरीहा है, मगर माया को इस बात का अंदाजा नहीं कि उसका घर तबाह होने में उसका गुरूर तकब्बर इसकी बुनियादी वजह है। और आप देखेंगे जब अमार फरीहा के वालिद की खैरियत दरियाफ्त करने आएगा तो फरीहा की दोस्त और अमार की रानी फरीहा से कहेगी कि ये जरूरी तो नहीं कि अमार सराज अंकल की खैरियत ही दरियाफ्त करने गया हो, बल्कि क्या पता वो माया से मिलने के बहाने गया हो। जिसके बाद आप देखेंगे माया बहुत हैरान होगी और सोचेगी क्या अमार और माया इस तरह कर सकते हैं, सबको धोखा दे सकते हैं। फरीहा को इस बात का भी अंदाजा है कि माया कुछ भी कर सकती है, माया पर किसी सूरत भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और दूसरी जानब आप देखेंगे माया जब अमार को अपने घर में देखेगी तो वो अमार को बहुत हसद भरी निगाहों से देखेगी और सोचेगी कि फरीहा ने क्या किस्मत पाई है कि अगर मैं अमार को ना ठुकराती तो उसकी शादी अमार से ना होती, इतना अच्छा और खूबसूरत शोहर फरीहा को कैसे नसीब होता। और आप देखेंगे जब अमार का भाई घर वापस आएगा तो अमार की तमाम फैमिली फरीहा के वालिद की खैरियत दरियाफ्त करने उनके घर जाएगी, वहाँ पर जुनेद की मुलाकात माया से होगी। तो आप देखेंगे माया जुनेद को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लेगी, क्योंकि माया जानती है ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और बैरून मुल्क रहता है। अमार के घर के तमाम अखराजात इसी के सुपुर्द हैं। नाज़रीन अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।